पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र के समीपस्थ बंजारी पंचायत क्षेत्र के विश्वास नगर में शिवशाही मंदिर से नगर के विभिन्न मार्गों से होते हुए कलश यात्रा निकाली गई। नगर के विभिन्न चौराहों पर कलश यात्रा का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। वहीं कलश यात्रा में महिलाएं और बालिकाओं ने बड़ी संख्या में कलश धारण कर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। कलश यात्रा से शुरू हुई भागवत कथा 7 दिवसीय रहेगी, जहाँ भागवत कथा श्रवण करने का अवसर आसपास के गाँव और नगरजनों को मिलेगा। वहीं यात्रा का समापन कथा स्थल पर शिवशाही मंदिर प्रांगण में हुआ। पीथमपुर से संजय सोनगरा की रिपोर्ट। भागवत महापुराण के श्रवण करने मात्र से जीवन का सार्थकता है, प्राण मुक्ति गोकर्णोपाख्यान के माध्यम से दर्शाया गया। यदि मनुष्य अपने जीवन में कई प्रकार का पाप करता है और वह पाप मन से हो, तन से हो, धन से हो, उस पाप का समन करने के लिए केवल एक ही उपाय है, श्रीमद्भागवत सप्ताह ज्ञान गंगा महायज्ञ। जिस ज्ञान गंगा महायज्ञ के सुनने श्रवण मात्र से, स्पर्श मात्र से, उसकी शोभा यात्रा में जाने मात्र से, लवलेश मात्र से, वह आपके सभी पापों को विनष्ट करता है और पुण्य को प्रदान करता है। सा मोक्षदायिनी, भागवत महापुराण मोक्ष को प्राप्त करती है, प्रदान करती है। साथ ही साथ यम यम चिंतयेत कामम तम तम प्राप्नोत निश्चितम, आप जिस जिस कामना से भागवत महापुराण को श्रवण करते हैं, वह श्रीमद्भागवत महापुराण आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करता है। जय जय श्री राधे। अपना नाम बता दीजिए। आचार्य उमानंद जी महाराज, अयोध्या की धरती से। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।